तो जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में यह बताया था कि नासा का जो इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर है उसका जो मार्स की सॉइल पर टचडाउन है वह कंप्लीट हो गया है और परसिवरेंस रोवर ने इस मार्शियन हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करने के बाद वह इससे थोड़ा पीछे हट गया था और इसका जो कल का मेन टास्क था वह मार्स की जो -90 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर वाली नाइट होती है उसमें सर्वाइव करना था। अब आज जो यह परसिवरेंस रोवर है यह इस हेलीकॉप्टर के पास दोबारा गया है क्योंकि इस इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर के द्वारा जो अपना पहला टास्क था मतलब कि मार्शियन नाइट में सर्वाइव करना वो तो कंप्लीट कर लिया गया है। अब यह परसिवरेंस रोवर एक बार फिर से इस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा है जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं और अब यह जो परसिवरेंस रोवर है वह इस हेलीकॉप्टर को एग्जामिन करेगा कि इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और अब इस हेलीकॉप्टर का जो मेन नया टास्क है वह आज स्टार्ट होता है जो कि अब तक का सबसे बड़ा टास्क है। जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में यह बताया था कि इस इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर को सबसे पहले तो परसिवरेंस रोवर के द्वारा 100% चार्ज करके मार्स के सरफेस पर ड्रॉप करा गया था। अब क्योंकि इसने अपने इंटरनल हीटर की मदद से अपना जो टेम्परेचर है उसको -90 डिग्री से बढ़ाकर 7.22 डिग्री सेल्सियस तक रखा था तो जाहिर सी बात है इसकी जो चार्जिंग है वो कम हुई होगी। तो जो इसका आज का मेन टास्क है वह यह है कि इसको अपने सोलर पैनल जो कि इसके रोटर विंग्स के ऊपरी सतह पर मौजूद है उसकी मदद से इंटरनल बैटरीज को चार्ज करना होगा। तो फिलहाल तो परसिवरेंस रोवर अभी इसके पास गया है और जब यह हेलीकॉप्टर अपना डाटा परसिवरेंस रोवर के साथ ट्रांसमिट करेगा तब यह पता चलेगा कि इसके कितने सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं। कल की इमेजेस आप देख रहे हैं और आज की इमेजेस। कल की इमेजेस में परसिवरेंस रोवर ने इस हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करके थोड़ा पीछे चला गया था और जो आज की इमेजेस हैं उसमें परसिवरेंस रोवर एक बार फिर से इस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया है जिसमें कि आप इसका जो ऊपरी सतह पर मौजूद सोलर पैनल है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और इस हेलीकॉप्टर के रिगार्डिंग जो अलग क्वेश्चन है वह भी आपके दिमाग में आ रहे हैं तो हम आपको उसका भी जवाब देना चाहेंगे। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि इस हेलीकॉप्टर की कॉस्ट कितनी है। तो आपको बता दें कि यह जो हेलीकॉप्टर है इसकी जो कॉस्ट है वह 85 मिलियन US डॉलर की है और यह जो इंजीनियरिटी है वह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर है जिसकी जो कॉस्ट है वह 85 मिलियन US डॉलर की है। इसमें कितने कैमरास का यूज करा गया है तो नासा की तरफ से इस हेलीकॉप्टर में 2 कैमरास का यूज करा गया है जो कि इसकी जो फ्लाइट शॉर्टी है उसके टाइम मार्स की इमेजेस को कैप्चर करेंगे जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर के द्वारा परसिवरेंस रोवर को इन इमेजेस को सेंड करा जाएगा और फिर ये परसिवरेंस रोवर की मदद से ये जो इमेजेस हैं वह अर्थ पर वापस आएंगी। जो दूसरा क्वेश्चन है वह यह है कि इस हेलीकॉप्टर के जो विंग्स हैं वे कितने राउंड्स पर मिनट की स्पीड से रोटेट करेंगे। तो आपको बता दें नासा की तरफ से यह कंफर्म करा गया है कि इसके जो विंग्स हैं वे 2537 मतलब कि 2537 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से स्पिन करेंगे जिसकी मदद से यह जो हेलीकॉप्टर है वह मार्शियन सरफेस पर फ्लाई कर सकेगा। जो अदर चैनल्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं का ही जवाब दे देते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वह यह है कि यह जो हेलीकॉप्टर है वह मार्शियन सरफेस से कितनी ऊंचाई पर फ्लाई कर सकेगा। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि यह जो हेलीकॉप्टर है वह केवल और केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर है इसलिए यह जो हेलीकॉप्टर है इसकी जो फ्लाइट शॉर्टीज है वह मार्स के सरफेस से 16.5 फीट की ऊंचाई तक ही कंडक्ट करी जाएंगी मतलब कि इस हेलीकॉप्टर को मार्शियन सरफेस से केवल 5 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाया जाएगा और इसका जो एरिया है जहां पे इस हेलीकॉप्टर को अपनी फ्लाइट को कंडक्ट करना है वह 300 फीट का है मतलब कि 90 मीटर्स का जो एरिया है वहां पर इस हेलीकॉप्टर की जितनी भी फ्लाइट है उसको इसकी जो टाइमलाइन है मतलब कि 31 डेज की उतने में कंडक्ट करा जाएगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है वह यह है कि इस हेलीकॉप्टर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो फिलहाल तो यह जो हेलीकॉप्टर है वह 31 सोल्स मतलब कि 31 मार्शियन डेज पर सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है और अगर इसके रोटर विंग्स और इंस्ट्रूमेंट इन 31 डेज के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से करते हैं तो इसकी जो मिशन लाइफ है वह और भी ज्यादा इंक्रीज करी जाएगी। और कल के वीडियो में हम आपको यह पहले ही बता चुके हैं कि इसकी जितनी भी यह सारी फ्लाइट शेड्यूल है वह केवल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कल की जो मार्शियन नाइट थी उसमें इसके जो इंस्ट्रूमेंट में कितने ज्यादा सरवाइव कर पाए हैं। और यह जो बात है वह केवल कल की मार्शियन नाइट की बात नहीं है आज जो इसका सोलर पैनल है उसकी मदद से जो इसकी बैटरीज हैं वे कितनी ज्यादा चार्ज हो पाती हैं। और अब चूंकि यह जो हेलीकॉप्टर है वह परसिवरेंस रोवर से अलग हो गया है तो इसको केवल और केवल अपने सोलर पैनल की जो प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिसिटी है उसी से अपनी बैटरीज को चार्ज करना है। तो अब इसका जो मेन टास्क है आज का वह यह है कि अपने सोलर पैनल से अपनी बैटरीज को कितना चार्ज कर पाता है। फिलहाल तो आज शाम को नासा के द्वारा इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करा जाएगा जो कि आपको हम बता ही देंगे। तो अगर एक बार फिर से आपका इस हेलीकॉप्टर या फिर परसिवरेंस रोवर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपका जवाब जरूर दिया जाएगा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।